राजगढ़ लोकसभा प्रत्याशी रोडमल नागर पहुंचे सुसनेर, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सुसनेर लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा द्वारा राजगढ़ सीट से तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए रोडमल नागर शनिवार की दोपहर सुसनेर पहुंचे। उन्होंने सोयत रोड स्थित भाजपा के चुनावी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष चिंतामन राठौर, लोकतंत्र सेनानी संघ जिला उपाध्यक्ष गोवर्धन शुक्ला, पूर्व विधायक बद्रीलाल सोनी, लोकतंत्र प्रेरी संघ जिला संयोजक कैलाश नारायण बजाज, जिला महामंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत, सोयत मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह गुंडलावदा, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष दिलीप जैन सारंगाखेड़ी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ विष्णु भावसार, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया, मुकेश लोरा, पूर्व जनपद अध्यक्ष चंदर सिंह कांवल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य करण सिंह सिसोदिया, देवी सिंह सिसोदिया, जिला मंत्री गिरजा शंकर राठौर व अर्चना जोशी, महिला मोर्चा प्रदेश प्रतिनिधि इंदिरा गर्ग, पूर्व पार्षद राकेश जैन मेडिकल सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। भाजपा नेता अभिषेक बजाज, पार्षद प्रदीप सोनी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अभिजीत बजाज, जिला महामंत्री लखन सेन एवं सौरभ जैन, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष रियाज खान, युवा नेता हरिओम राठौर, रवि टेलर आदि के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह कांवल ने किया एवं आभार भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलेरिया ने माना। राजेश भावसार, दैनिक पीथियान पत्रिका, रिपोर्टर सोयत कला। कमल के फूल को सफलता का अंजाम प्रदान करने वाले हैं, अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता।